एक नुक्ता तो ये मालूम, साइंस क्या कहती है? साइंस ये कहती है कि हिंदुस्तान में 2 घंटे के बाद और दीगर ममालिक में 3 घंटे के बाद लाश पर राइगर मोर्टिस शुरू हो जाता है। राइगर मोर्टिस समझे? व्हाट इज राइगर मोर्टिस? सुनो, मालूम है, लाश जब अकड़ने लगती है तो लाश के अकड़ने को राइगर मोर्टिस कहा जाता है। हिंदुस्तान में 2 घंटे के बाद और दीगर ममालिक में 3 घंटे के बाद मरे हुए आदमी के ऊपर राइगर मोर्टिस शुरू हो जाता है और 12 घंटे तक पूरी लाश अकड़ जाती है। अब ये मरकर असा के ऊपर खड़े हुए हैं और अरसे दराज तक खड़े हैं। साइंस ये कहती है, खासतौर से मेडिकल साइंस, कि कुरान हकीम का ये बयान सही नहीं है, इसलिए कि राइगर मोर्टिस 2 घंटे के बाद या 3 घंटे के बाद शुरू हो जाता है, लाश अकड़ गई है, ये असा पर कैसे खड़ी रह सकती है? गलत है ये। कुरान हकीम कहता है यही सही है, तुम अपने पैमाने पर नजरसानी करो, तुमसे गलती हो सकती है, मुझसे गलती नहीं होती। क्यों? इसलिए कि किसी साइंसदान को फैक्ट तक पहुंचने के लिए कई मरहलों से गुजरना पड़ता है। पहला मरहला हाइपोथेसिस का है। व्हाट इज द हाइपोथेसिस? यू नो? नहीं वाला? हाइपोथेसिस का मतलब होता है मफरूजा, एक चीज फर्ज कर ली, ऐसा है, ऐसा है, एक अजम्पशन होता है, उसी को हम हाइपोथेसिस कहते हैं, उसको मफरूजा कहते हैं, फर्ज कर लिया गया। यह पहला मरहला है। दूसरा मरहला, इस मफरूजे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जिसको हम तजर्बा कहते हैं, यह दूसरा मरहला है। पहला मरहला है हाइपोथेसिस का, मफरूजे का। दूसरा मरहला एक्सपेरिमेंट का, तजर्बा करते हैं। यह मफरूजा है, तजर्बा करते हैं, क्या ऐसा है? तजर्बे के बाद इसे लैब में ले जाते हैं, लेबोरेटरी में। यह तीसरा मरहला है ऑब्जर्वेशन का, मुशाहदा किया जाता है। तो पहला मरहला हाइपोथेसिस, मफरूजा, दूसरा मरहला एक्सपेरिमेंट, तजर्बा, तीसरा मरहला है लैब में ले जाके उसको ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वेशन, ये मुशाहदा है। अब मुशाहदे के बाद यही एक नतीजा बार बार आ रहा है, तो अब उस नतीजे के ऊपर पहुंचने के बाद कहते हैं कि अब हमें इन्फरेंस मिल गया है, यह नतीजा है। ये चौथा मरहला है इन्फरेंस का। उसके बाद पांचवा मरहला, इस इन्फरेंस को, इस नतीजे को दीगर साइंसदानों के यहां रखा जाता है, वो गौर करते हैं, उनके इस गौर और फिक्र को सिस्टमाइजेशन ऑफ इन्फरेंस कहते हैं, तंजीम नताइज, नताइज को मुनज्जम करते हैं, ये नतीजा, ये नतीजा, ये सिस्टमाइजेशन ऑफ इन्फरेंस, तंजीम नताइज, नताइज को मुनज्जम करते हैं, और जब तमाम साइंसदान इसको ओके कर देते हैं तो दैट इज कॉल्ड फैक्ट, इसको कहते हैं हकीकत। देखिए, हकीकत तक पहुंचने के लिए साइंस को किन किन मराहिल से गुजरना पड़ा? कुरान हकीम को और शरीयत को इन मराहिल से नहीं गुजरना पड़ता, वो जो कुछ कह देता है वही फैक्ट है। यह फर्क है अक्ल में, साइंस में।